जांजगीर चांपा में रेलवे स्टेशन के सामने अवैध रूप से बेजा कब्जा कर दुकान चला रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध अतिक्रमण को हटाया है। बता दें कि लंबे समय से 65 दुकानदार अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रशासन ने कई बार दुकानदारों को नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया, जिसको लेकर प्रशासन ने दुकानों को जमींदोज किया है। ये सर्वविदित है कि जो चांपा रेलवे स्टेशन के सामने पे काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे एनक्रोचमेंट थे और एनक्रोचमेंट के कारण पे जो कमिटिंग पीपल हैं, आने जाने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सभी को बहुत दिक्कतें होती थी। चांपा बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, इस बीच में वहाँ पे एक फ्लाईओवर का भी निर्माण हो गया है। इस बात की निहायत आवश्यकता हम लोग महसूस कर रहे थे कि वहाँ पर सड़क आमजनों के लिए उचित तरीके से उपलब्ध हो, और उसी लाइन पर कार्रवाई करते हुए आज जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग के साथ मिल करके सारे एनक्रोचमेंट को हटा दिया है। मेरा मानना है कि अब वहाँ पे यातायात सुगम होगा और लोगों को हो रही असुविधाएं हैं वो समाप्त होंगी। शीघ्र ही वहाँ पे सड़क बना करके फ्लाईओवर को हम स्टार्ट करने की स्थिति में आ रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे पुलिस के साथ मिल के कार्रवाई की गई है, और पहले से व्यापारियों की मीटिंग लेकर उनको हिदायत भी दे दी गई थी और सारा चीज़ स्मूथली हुआ है।